सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी वो। पता नहीं बेचारी क्या कुछ झेल कर आई है। आलियान ने उसे बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। इस सब के बावजूद वो तलाक नहीं लेना चाहती उससे। आसिम, मुझे लगता है कि हमें आलियान से एक बार फिर बात करनी चाहिए। सुंबल ने मना किया। समझाने के बावजूद उसने सख्ती से मना किया कि आलियान से कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल हमें सबर से काम लेना चाहिए। इस वक्त सुंबुल को संभालना, उसको हौसला देना, मजबूत करना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब संभलेगी मेरी बहन। आप परेशान नहीं हो, हो जाएगा सब बेहतर इंशाल्लाह। अगर आप दोनों की बातें और मोहब्बतें ख़त्म हो गई तो थैंतराते। दुल्हे मियाँ, आप पहले ही कमरे में आ चुके हैं, इजाज़त क्या मांग रहे हो? और रही बात हमारी बातों की, तो ना तो ये बातें ख़त्म होंगी और ना ही मोहब्बतें कम होंगी। हम सास और बहू की मोहब्बत को नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आबाद रहो बेटा। सुन, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो ना, सारी रुकावटें सब दीवारें गिर जाती। आज हम एक हो गए। मैं बहुत खुश थी, शादी के वक्त लगा था जिंदगी आपके साथ बहुत आसानी से गुजर जाएगी, हर कदम पे खुशियां मिलेंगी। खुशियों को संभालने के लिए जिंदगी बहुत कम लगती थी, लेकिन आज जीना बहुत मुश्किल लग रहा है। आली, वक्त गुजारना भारी हो गया है। आप नहीं जानते, आपसे दूर रहकर मैं बेमौत मर जाऊंगी। उसे पूछा था, आप अपने हाथों से मार देते मुझे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं यहीं मर जाऊंगी। घर में नहीं, मैं तुम्हें मरने दूंगा, ये बात याद रखो। तुम मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर। निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें।